गाइस, आप में से जितने सारे लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हो, जब से मैं यूट्यूब पर आया हूँ, वीडियो अपलोड किया हूँ, डार्लिंग प्रभास के ऊपर स्पेशली अपडेट लेकर के आया हूँ, ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ है और आप लोगों को जरूर यह एहसास हुआ होगा कि अपडेट देते देते मैं कुछ अपने हिसाब से बोल देता हूँ कि ये अपडेट को देख करके, वो अपडेट को देख करके, ये सिचुएशंस को देख करके ऐसा लग रहा है कि आगे चल करके ऐसा कुछ हो सकता है। वो मैं अपने हिसाब से बोल देता हूं बहुत पहले से, और नेक्स्ट मोमेंट पे, नेक्स्ट टाइम पे वो चीज ना अपडेट बन करके आ जाती है। कौन कौन ये बात मेरे साथ एहसास करे हो, मुझे लेकर के ये बात फील करे हो, जरूर एक स्पेशल कमेंट करना। आज मैंने फिर से वैसा वाला एक अपडेट देखा, और अपडेट है स्पिरिट मूवी को लेकर के। जब स्पिरिट मूवी की शूटिंग वगैरह डिले हुआ, सितंबर अक्टूबर को शूटिंग जो है स्टार्ट हो जानी थी, लेकिन वो नहीं हुआ, सीधा चला गया 2025 जनवरी तक, और बोला गया कि संदीप रेड्डी वांगा अभी भी अपना स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, अपना स्क्रिप्ट जो है वो तैयार नहीं कर चुके, क्लाइमैक्स में अभी भी अटके हुए हैं, क्लाइमैक्स को लेकर के कुछ क्रूशियल लिख रहे हैं। ये अपडेट जब आया तो वो अपडेट देते हुए मैं आप लोगों को एक चीज बताया था, आपको जरूर याद होगा कि जरूर संदीप रेड्डी वांगा यहाँ पे सीक्वल की प्लानिंग कर रहे होंगे, नहीं तो जिस फिल्म का स्क्रिप्ट भाई राधे श्याम मूवी के टाइम से लिख रहे हैं, जिसका शूटिंग अक्टूबर सितंबर अक्टूबर से करने वाले थे, उस फिल्म के क्लाइमेक्स में ऐसा फिर क्या करने जा रहे हैं जो इनको 2-3 महीना एक्स्ट्रा लग जा रहा है। 2025 तक फिल्म का शूटिंग जो है डिले हो रहा है, जरूर क्लाइमेक्स में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि भाई सीक्वल का इशारा होगा, स्पिरिट 2 भी हमें देखने को मिल सकता है, इस बात का इशारा होगा, जरूर ऐसा होगा। मैं ये बात बोला था, उस बात को जोर दे करके मैं ये भी बोला था कि एनिमल मूवी के साथ वो पहले से ऐसा कर चुके हैं, जो कि बॉबी देओल फिल्म के विलन है, रणबीजय मतलब रणबीर कपूर जो है फिल्म के हीरो है, वो बदला ले लेता है, बॉबी देओल मतलब जो लड़ है, मतलब क्या नाम है बॉबी देओल का फिल्म में, एनिमल मूवी में, उस वो मतलब विलन को हीरो जो है मार देता है, बाप बेटे के बीच जो कलेश होता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, जो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, वो समझौता भी हो जाता है, बाप बेटे दोनों इमोशनली जुड़ जाते हैं, सब कुछ एवरीथिंग हैप्पी एंडिंग हो जाता है एनिमल मूवी का। उसके बाद भी एक और कैरेक्टर को निकाल करके एनिमल पार्क का इशारा दे देते हैं, और सेकंड पार्ट का इशारा दे देते हैं। वो जो एनिमल पार्क का जो पार्ट था ना, जो हम क्लाइमेक्स में देखते हैं, जो रणबीर कपूर को अलग तरीके से जो हम देखते हैं भाई, वो बाद में शूट हुआ था, ठीक है, वो बाद में शूट हुआ था। अगर एनिमल मूवी को कंप्लीट करने के बाद वो फिर से एनिमल पार्क लाने के लिए एक इशारा डाल सकते हैं वहां पे, तो भाई डार्लिंग प्रभास तो सीक्वल मूवी के क्या कहते हैं ओरिजिन है वो, ठीक है, वो सीक्वल मूवी को शुरू करें, और ऐसे नहीं कि फिल्म को कंप्लीट करके दूसरा मतलब फिर से वो फिल्म चला तो फिर से अलग तरीके से उसको स्टार्ट करेंगे, ऐसे नहीं, आधी कहानी दिखा करके बाकी आधी कहानी नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे, वैसा वाला सीक्वल डार्लिंग प्रभास स्टार्ट करें, बाहुबली, सलार, ये कल्कि, ओके, आपको पूरा कहानी देखने को नहीं मिलेगा वहां पे, क्लाइमेक्स नहीं है इन सारी फिल्मों के, पार्ट 1 में कोई क्लाइमेक्स नहीं है, क्लाइमेक्स देखने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, लेकिन बाकी सारी जो फिल्म है एनिमल का क्लाइमेक्स है ना, लेकिन एनिमल का क्लाइमेक्स होने के बावजूद भी वो पार्ट 2 लाने के लिए एक कोशिश करे हैं, तो डार्लिंग प्रभास तो ऑलरेडी सीक्वल के नाम पे बहुत ज्यादा चर्चित है। डार्लिंग प्रभास का 2 पार्ट की फिल्म है, बिग बजट की फिल्म है, पैन इंडिया लेवल की फिल्म है, बोलने से भाई फिल्म का प्रमोशन एक लेवल पे हो जाता है, 60% प्रमोशन वैसे हो जाता है डार्लिंग प्रभास का, बाकी 40% प्रमोशन जो है वो फिल्म के मटेरियल, वो टीजर, वो ट्रेलर, वो डायरेक्टर, वो सारी चीजों को लेकर के होता है, लेकिन बस आप इतना ही खाली बोल दो कि प्रभास एक नई फिल्म लेकर के आ रहे हैं जो कि पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होगा, उसका बजट इतना इतना होगा, सीक्वल मूवी होगा, हिस्टोरिकल पीरियडिक फिल्म होगा, जो भी जनर जो भी हो ऐसा बोल दो, वो फिल्म का 60% प्रमोशन जो है ना ऐसे हो जाता है, तो उनके साथ संदीप रेड्डी वांगा फिल्म लेकर के आ रहे हैं तो उसका सीक्वल क्यों नहीं बनाएंगे, ये बात मैंने करी थी, और अभी वो अपडेट के तौर पर आ चुका है मेरे भाई कि स्पिरिट भी सीक्वल मूवी होगी, मल्टी पार्ट्स की फिल्म होगी, मतलब जो हमें स्पिरिट देखने को मिलेगा 2026 में वो पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 फिर बाद में आएगा 2028 तक मान लो, या फिर एनिमल पार्क के बाद मान लो, ओके 2029 तक मान लो, जब भी हो, लेकिन पार्ट 2 फिर आएगा,
ओके, तो एनिमल का पार्ट वन दिखाने के बाद स्पिरिट का पार्ट वन दिखाएंगे, स्पिरिट का पार्ट वन दिखाने के बाद एनिमल का पार्ट टू दिखाएंगे, और एनिमल का पार्ट टू दिखाने के बाद स्पिरिट का फिर पार्ट टू दिखाएंगे। भाई संदीप रेड्डी वांगा भी क्या खेल खेल रहे हैं यार, बीच में फिर अल्लू अर्जुन का फिल्म है, मैं भूल जा रहा हूँ, वो एनिमल पार्क के बाद शायद उसमें काम कर सकते हैं और पार्ट टू फिर लेकर के आ सकते हैं। भाई क्या हो रहा है, 3 3 हीरो को लेकर के ये सारी फिल्मों को बना रहे हैं, कहीं मिलाप तो नहीं है ना? खैर जो भी हो, पर स्पिरिट पार्ट टू आ रही है दोस्त, इसका अपडेट अभी हमारे पास आ चुका है। स्पिरिट कोई सोलो मूवी नहीं है, ये भी सिक्वल मूवी है, मल्टी पार्ट्स की फिल्म है। ओके, और इसी हिसाब से डार्लिंग प्रभास की जो कंफर्म फिल्म का जो लिस्ट है, रावणम, लोकेश कनगराज वाली फिल्म, बाहुबली 3, इन सारी फिल्मों को मतलब थोड़ा सा साइड करते हैं क्योंकि वो डिस्कशन मोड पे है, लेकिन जो कंफर्म है कि हमें फिल्म देखने को मिलेगा, देर सबेर ये सारी फिल्में रिलीज होंगी बकायदा, तो वो 6 फिल्में हो चुके हैं, 6 फिल्में हो चुके हैं। जैसे कि पहले राजा साहब, फिर फौजी, फिर स्पिरिट, फिर सलार 2, फिर कल्कि 2, और अभी स्पिरिट पार्ट 2। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि डार्लिंग प्रभास की अपकमिंग इन 6 फिल्मों के साथ उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का नंबर कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा? देखो अगर मैक्सिमम ऑडियंस की मैं बात करूं, जो उनको फॉलो करते हैं, उनकी फिल्म के बारे में जानते हैं, राजा साहब मूवी के ऊपर लोगों का उतना भरोसा नहीं है। जब आउटपुट वगैरह देखेंगे, फिल्म देखेंगे, तभी तभी एक्चुअली में भरोसा होगा, क्योंकि डायरेक्टर के ऊपर लोगों का उतना भरोसा नहीं है। लेकिन उसके बाद बाकी जो 5 फिल्मों की मैंने बात करी, फौजी हो गया, कल्कि 2 हो गया, स्पिरिट 1, स्पिरिट 2, सलार 2, ओके, इन सारी फिल्मों की जो बात करी, ये फिल्में ना भाई एकदम मचांड है। फौजी को छोड़ के बाकी जो 4 फिल्में हैं, इनका एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल 1500 करोड़ अगर लेंगे भी तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि सलार 2, कल्कि 2, स्पिरिट 2, स्पिरिट 1, ये सारे के सारे फिल्में पैन वर्ल्ड लेवल पे रिलीज हो रहे हैं। सलार मूवी जो है पैन वर्ल्ड लेवल पे रिलीज होने जा रही थी, पर क्लैश हुआ, स्क्रीन वगैरह इंडिया में नहीं मिला, तो ओवरसीज में फिर कहाँ मिलेगा, वो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी फिल्म थी ओके हॉलीवुड में, तो इसी वजह से सलार का पैन वर्ल्ड रिलीज जो है वो कैंसिल हो गया, नहीं तो पैन वर्ल्ड लेवल पे रिलीज हो रही थी, एकदम ऑफिशियल हो चुका था, आप लोगों को पता है उसका पूरा लिस्ट आ चुका था 28 सितंबर रिलीज डेट के साथ। तो सलार 2 जो है पैन वर्ल्ड लेवल पे रिलीज होगा बकायदा। कल्कि 2898 AD पहली पहली इंडियन फिल्म थी जो कि पैन वर्ल्ड लेवल पे रिलीज हो रही थी, शुरू से इसके बारे में बता दिए थे मेकर्स, पहले वो टाइटल वगैरह भी लिखे थे, वहां पे सारे के सारे लैंग्वेज आ रहे थे, बाद में नहीं आया, बाद में जब टाइटल लिखे तो वो सारी चीजें नहीं आई। पैन वर्ल्ड रिलीज को कल्कि वाले इसलिए ये करे क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं और आधी कहानी को दिखा रहे हैं, पार्ट 2 फिर लेकर के आ रहे हैं, तो एक साथ इतना खर्च कर देंगे, लोगों को फिल्म अगर हजम नहीं होगी, लोगों को पसंद नहीं आएगी, तो फिर ये हो जाएगा, पार्ट 2 फिर हम नहीं ले पाएंगे, मतलब मुश्किल हो जाएगा, लोगों को कहानी हम पूरा दिखा नहीं पाएंगे। तो पार्ट 2 को पैन वर्ल्ड लेवल पे रिलीज करेंगे, पार्ट 1 को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे छोड़ देते हैं पैन इंडिया लेवल पे। उन लोगों का वही डिसीजन रहा और कल्कि 2898 AD मूवी को एंड वक्त पे पैन इंडिया लेवल पे रिलीज कर दिए। अभी कल्कि 2898 AD मूवी का रेस्पॉन्स को देखते हुए वो लोग पैन वर्ल्ड लेवल पे तो डेफिनेटली रिलीज करेंगे फिल्म को, ठीक है। और स्पिरिट 2 मूवी जो है, जब से अनाउंसमेंट हुआ है वो रेड पोस्टर के साथ, वहां पे ही नीचे पैन इंडिया को छोड़ करके कई सारे, मतलब जो 5 लैंग्वेज है उसको छोड़ करके बाकी सारे लैंग्वेज को मेंशन कर दिए हैं ऑलरेडी। तो स्पिरिट मूवी को पैन वर्ल्ड लेवल पे संदीप रेड्डी वांगा रिलीज कर रहे हैं। तो ये जो 4 फिल्में हैं मैंने जो बताया आपको, सलार 2, कल्कि 2, स्पिरिट 1, स्पिरिट 2, ये पैन वर्ल्ड लेवल पे रिलीज होगा। तो इसका एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर हम बात करें 1500 करोड़ तक की, तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, 1500 करोड़ तक का ये गलत नहीं होगा। तो 6000 करोड़, तकरीबन 6000 करोड़ इन 4 फिल्मों से आ जा रहा है। बाकी फौजी का कितना होगा, राजा साहब का कितना होगा, आप वो सारा का सारा कैलकुलेशन करके इन 6 फिल्मों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो सकता है, आप एक कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।